हेलो दोस्तों, मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स सेक्टर में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, कुछ सालों पहले ही इस इंडस्ट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ई कॉमर्स की ग्रोथ को लेकर ये सेक्टर डिस्कशन का सब्जेक्ट बना हुआ है एंड बड़ी बड़ी कंपनीज, दिग्गज कंपनीज ने भी इस सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। इंडिया में ई कॉमर्स को पॉजिटिव ग्रोथ मिल रही है। इसमें बढ़ती पॉसिबिलिटीज के बीच अमेज़न अब छोटे छोटे रिटेल व्यापारियों के साथ भी बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। इनका टारगेट हर एरिया में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, जिसे कपड़ा हो, किराना हो, सबका सामान, सब कुछ अब ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स पर मिलना पॉसिबल हो जाएगा। खैर, चाहे जो भी हो, B2B हो या B2C, हर टाइप के यंग मैन्युफैक्चरर के लिए ये इंडस्ट्री बड़ी एट्रैक्टिव बनती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हम जानेंगे नाम, लोगो एंड कंपनी का फॉर्मेशन। यानी सबसे पहला काम आपको अपने कंपनी का नाम चूज करना होगा। नाम चूज करने के लिए यहां मैं आपको आज कुछ टिप्स देता हूं, जिससे आपको अपने कंपनी का नाम चुनने में आसानी हो जाएगी। कंपनी का नाम ऐसा हो जिसे पहले कभी किसी ने ना रखा हो। कंपनी का नाम ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। छोटा नाम ना लोगों को जल्दी याद रहता है। नाम जो भी हो, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कंपनी का नाम का अदर लैंग्वेज में कुछ और मतलब नहीं होना चाहिए। लोगो बनाने में आसानी हो ऐसा नाम रखिए। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे नामों से मिलता जुलता ना हो। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के नाम के बारे में कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा इसीलिए रखा क्योंकि वो अपनी कंपनी को ग्लोबली देखना चाहते थे। इसीलिए नाम को अलग से रखना बहुत जरूरी है। एक और बात, अगर आपने बिजनेस करने का सोच ही लिया है तो सिर्फ नाम में ही ना फंसें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के नाम में इतना खो जाते हैं कि अपने बिजनेस में लगने वाले सारे मैन पावर को नाम में ही खत्म कर देते हैं। आपका बिजनेस मॉडल परफेक्ट होना चाहिए। ई कॉमर्स बिजनेस में आपके पास दो टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं, सिंगल वेंडर सिस्टम। इस टाइप के बिजनेस मॉडल में आप अपना या किसी दूसरे का प्रोडक्ट ऑनलाइन यानी ई प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। एक होता है मल्टी वेंडर सिस्टम। इस टाइप के बिजनेस मॉडल में अपने साथ साथ लाखों कस्टमर का प्रोडक्ट अपने ई कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो दूसरे मॉडल पर ही टिका होता है। इसमें आपका कस्टमर ही आपको सपोर्ट करता है। सिंगल वेंडर सिस्टम में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण आप फेल हो सकते हैं, या कभी कभी ज्यादा ऑर्डर मिलने से आप अपने कस्टमर को सामान नहीं पहुंचा सकते। बल्कि मल्टी वेंडर सिस्टम में अगर कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास नहीं है और ऑर्डर ज्यादा है, तो कोई दूसरा कस्टमर सामान को अवेलेबल करवा सकता है। ऐसा होना चाहिए आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब मैं बात करूंगा वेबसाइट की। जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो सर्च इंजन उन्हीं वेबसाइट को सबसे टॉप में रखते हैं जो कि फास्ट लोडिंग होते हैं, जिनकी वेबसाइट अच्छी बनी होती है, जो यूजर्स को पसंद आता है।
हालांकि वेबसाइट ही आपके बिजनेस का फेस है, इसीलिए अपने वेबसाइट को बेहतरीन रखें। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्री बिल्ट प्लेटफॉर्म का यूज करें, या किसी डेवलपर की हेल्प से डिजाइन को कस्टमाइज करें। लेकिन एक और फंडा यह है कि प्री बिल्ट प्लेटफॉर्म जो है उसमें कस्टमाइज प्लेटफॉर्म की जो कंपेयर है वो सस्ते होते हैं। अब मैं बात करूंगा कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें। आजकल स्टार्टअप की काउंटिंग उम्मीद से दुगनी हो गई है, लेकिन फेलियर भी ज्यादा है। यदि स्टार्टअप की काउंटिंग 50% है तो फेलियर 80% है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है उस बिजनेस के लिए लोगों में अट्रैक्शन ना होना। इसीलिए अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास पहले से बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान तैयार होना चाहिए। फिजिकल मार्केटिंग में आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन आपका बिजनेस जब पूरी तरह डिजिटल है तो आपको मार्केटिंग भी डिजिटल ही करनी होगी। इसके लिए आपको ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी जो कि इंटरनेट पर मौजूद सभी चीजों की जानकारी रखता हो, जो एक वेबसाइट के मार्केटिंग के लिए जरूरी होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है SEO मार्केटिंग, गूगल एड्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया। इस तरह की मार्केटिंग करते जाइए। ई कॉमर्स कंपनी के मार्केटिंग के लिए काफी ऑप्शंस होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वैल्यू ऐड करना चाहिए आपको, ऑफर देना एंड कुछ टाइम के लिए भारी डिस्काउंट देना, ये सभी तरीके आज भी सभी ई कॉमर्स कंपनियां अपना रही हैं। अब मैं बात करूंगा कंपनी को रजिस्टर कैसे करना है। इंडिया में किसी बिजनेस को लीगली चलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। इस ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत है। इसके लिए आपको एक DIN फॉर्म को भरना होगा, जिसके जरिए इस नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड के अलावा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। DIN नंबर के बाद आप चुने हुए नामों की अवेलेबिलिटी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के नाम कंफर्मेशन के 6 मंथ्स के अंदर कंपनी शुरू कर सकते हैं आप। इसके साथ GST सर्टिफिकेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, इन सभी का लाइसेंस भी लीगली आपको बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होता है। अगर आप अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी फीस पे करके नाम को बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक लीगली प्रोसीजर के बाद आप अपनी ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत कैसे करें के बारे में वीडियो बनाया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। किसी भी क्वेरी के लिए नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए आप, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।